नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और ये हालात हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत के इंसार बाज़ार के। आज हल्की सी बारिश ने फिर से एक बार लोगों को आफत में डाल दिया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बाज़ारों के हालात आप देख सकते हैं, पूरे शहर के हालात ऐसे ही हो गए हैं। हल्की सी बारिश ने फिर से पानीपत वासियों की जो आफत है वो बढ़ा दी है। जो बाज़ारों में जो लोग ख़रीदारी करने के लिए आए थे वो आफत में फंसे हुए हैं। गाड़ियां देखिए पानी में बंद हो चुकी हैं, कई गाड़ियां आप सामने तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हल्की सी बारिश हुई और लोग जो बाज़ारों में आए थे वो बाज़ारों में ही अपनी गाड़ियां खड़ी करके चले गए हैं, छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि गाड़ियां बाज़ारों में ही बंद हो गई हैं। देखिए घुटनों घुटनों तक जो है बाज़ारों में पानी है। दूसरी ओर हाईवे की तस्वीरें यदि आपको दिखाए तो लंबा जाम हाईवे पर इस वक्त लगा हुआ है, क्योंकि आगे संजय चौक के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। संजय चौक पर भी पानी जमा है, जिस कारण वहां पानी होने के कारण जो गाड़ियां हैं वहां से निकलने में काफ़ी परेशानियां जो है ज़रूर उठानी पड़ रही हैं, और इसी के कारण जो है शहर में लंबा जाम जो है इस वक्त लगा हुआ है। बाज़ार के भी हालात हम आपको दिखा रहे हैं, तो नेशनल हाईवे के हालात भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग ख़रीदारी करने के लिए बाज़ारों में तो आए थे लेकिन बाज़ारों में ही फंस गए, क्योंकि बारिश हुई और बारिश के बाद आपको पता ही है कि पानीपत बाज़ारों में हालात किस कदर होते हैं। बाज़ारों के लगातार हम आपको हालात दिखाते हैं, क्योंकि हल्की सी जो बारिश होती है बाज़ारों में पानी जमा हो जाता है, निकासी पूरी तरह से ठप है, ये कहना कोई नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पर हैं खड़े, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पानी कम हो और वो कब बाज़ारों में जाए। यहाँ किस लिए खड़े हैं आप? ये बुक लेकर आने हैं दुकान, ये बुक सेलर से जी, बट पानी इतना कैसे जाएं, बहुत प्रॉब्लम है, भीग जाएंगे सारे पैर, जूते उतार के जाएं कैसे जाएं पता नहीं चल रहा, बहुत बुरा हाल है पानीपत का, सब जगह पानी भर जाता है सब जगह। ये देखो क्या लोग ऐसे ही दुकानदार खाली बैठे हैं, ग्राहक नहीं है, परेशानी हो रही है कितने लोगों को, कुछ नहीं समाधान करती सरकार। सरकार तो ये कह रही है बहुत विकास किया, बहुत करोड़ों, कहाँ विकास है, एमसी में पैसा आता होगा, एमसीडी का काम है ये सुधार करना, कुछ नहीं करती सरकार। बेचारे इतने बड़े बड़े शोरूम है यहाँ पे, इतना किराया भरते हैं, कोई सुविधा नहीं, इतना टैक्स पे करता है पानीपत, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता होगा, बट बुरा हाल है सबसे ज़्यादा, कोई डेवलपमेंट नहीं है हरियाणा। पानीपत औद्योगिक शहर है, दूसरे राज्यों से भी उद्योगों से जुड़े जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं खरीदारी करने के लिए, माल लेने के लिए, बेचने के लिए, कैसा लगता होगा? बहुत बुरा इंप्रेशन है पानीपत का। और मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ का टैक्स जाता कहाँ पे है, इतना फरीदाबाद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इससे ज़्यादा टैक्स आता होगा, लेकिन पानीपत में दूसरे नंबर पे टैक्स पेयर है पानीपत। जब ये बुरे हाल हैं सरकार कोई ध्यान नहीं देती इस तरफ कि पानीपत का कोई डेवलपमेंट करे या कुछ, ऐसा कोई ध्यान नहीं सरकार का। पिछले कई सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, निकासी व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त की जाएगी, हालात लेकिन फिर भी ऐसे कि ऐसे कि ऐसे हालात है, कुछ कोई सुधार नहीं है, इतना पैसा देती होगी सरकार एमसी को, पैसा लग रहा है वो कहाँ जा रहा है, क्या पता सरकार कहाँ भेज रही है और कहाँ जा रहा है, कोई ठिकाना नहीं पैसे का। फिलहाल आप कब से देख रहे हैं? आप यहाँ एक घंटे से खड़ा हूँ और मेरे को रिक्शा वाला 40 रुपये मांग रहा है बुक सेलर पे जाना और ये किताब ले आनी, बस एक घंटा से वेट कर रहा हूँ। तो देखिए इस पानी से निकालने के लिए जो रिक्शा वाले हैं पैसे मांग रहे हैं ताकि इस नदी से इनको पार कर, क्योंकि नदी कहना भी इसको गलत नहीं होगा। बिल्कुल बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। देखिए जो महिलाएं हैं जो खरीदारी करने के लिए आई थी वो भी बाज़ारों में फंसी हुई है। लोगों का कहना है कि इस ओर सरकार का और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हालात भी आप देख सकते हैं कि घुटनों घुटनों तक पानीपत के बाज़ारों में जो है हल्की सी बारिश हुई और लोग जूते उतारकर बाज़ारों में अब जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से लोग यहां पर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बाज़ारों का जो पानी है वो निकले, पानी जो है उतरे और उसके बाद वो बाज़ारों में आए, खरीदारी करने के लिए आते हैं, अलग अलग काम को लेकर बाज़ारों में लोग आए तो हैं लेकिन फंसे हुए हैं, काफ़ी समय से यहाँ पर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ से चले गए हैं और कुछ लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पानी कम हो और कब वो यहाँ से जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाज़ारों के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर भी लंबा जाम लगा हुआ है, करीब एक घंटे से जाम में लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि हल्की सी बारिश हुई और पानीपत के बाज़ारों के साथ साथ संजय चौक पर भी
हालात ऐसे ही हैं, वहाँ पर भी पानी जमा है और इस पानी जमा होने के कारण जो है वहाँ पर काफ़ी वाहन जो है पानी में ही फंसे हुए हैं और पीछे लंबा जाम लगा हुआ है। पानी के बाहर लोग खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पानी कम हो और कब वो यहाँ से जाए। काफ़ी जो बाइकें हैं वो पानी के अंदर खड़ी हुई है, कई दुकानों में तो पानी भी चला गया है। दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे। दुकान में पानी चला गया है? हाँ जी चला गया है जी। किस चीज़ की दुकान है? घड़ी की, वॉचिस। तो इतना ही निकालोगे इतना ही वापस आ जाएगा? अभी बाजार से निकल जाएगा तो निकाल देंगे भैया। आफत थी आपके लिए? जी जी, पिछले 30 साल से इसका कोई सुधार नहीं हुआ। 30 साल हो गए हैं कम से कम। ऐसे ही निकाल रहे हो पानी? जी। नेता ये कहते हैं कि काम कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, किसी से भी पूछो कोई काम नहीं हो रहा है। लगता है पानीपत में विकास हुआ है? आउटर एरिया में हुआ होगा, बाजारों में तो नहीं हुआ, कम से कम हमारे बाजार में तो नहीं। नेता ये कहता है प्रशासन के सबसे ज्यादा विकास बाजारों में किया है। यहाँ कुछ नहीं हुआ सिवाय एक बिजली के खंभे नए लगाए गए, और कुछ नहीं हुआ। तो देखिए दुकानों के अंदर भी पानी चला गया है और दुकानदार पानी को निकालते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पानीपत के बाजारों के हालात आप देख रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, खरीदारी करने के लिए पहुंचे तो हैं लेकिन हालात देखकर वो रुके हुए हैं। बच्चे जूते उतारते नजर आ रहे हैं कि वो अब इस गंदे पानी से ही होकर अंदर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय से वो यहाँ पर खड़े हुए थे लेकिन पानी लगातार जो बाजारों में है वो भरा हुआ है और इसी को लेकर अब जो परेशानी है कहीं ना कहीं वो देखी जा सकती है। देखिए दुकानदार से भी हमारी बातचीत हुई, जिनका कहना है कि पिछले 30 साल से वो हालात ऐसे ही देख रहे हैं। हालात पानीपत बाजारों के हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे की भी तस्वीर एक बार फिर से दिखाएंगे कि हाईवे पर भी लंबा जाम लगा हुआ है। काफ़ी लोग जो हैं अभी भी यहां पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है ये पानी निकले यहां से और उसके बाद वो यहां से जो है बाज़ारों के अंदर जाएं सामान खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए लोग आते तो हैं लेकिन हालात ये देखकर लोग वापस चले जाते हैं। कुछ इस गंदे पानी से ही होकर निकल जाते हैं कुछ, और देखिए यहाँ पर लोग खड़े हैं उनसे बातचीत करेंगे। इसी पानी से होकर आए हो? हाँ जी सर। कैसा लगा, क्या लेने आए थे? ऐसे सामान लेने आए सर मार्केट में। लगा था आप गंदे पानी में फंसोगे? नहीं सर, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसी सर। कैसा लगा गंदे पानी से? सर बहुत ही अजीब फील हुआ सर। आगे दूर दूर तक पानी भरा हुआ है, आने जाने में दिक्कत है। बाइक की चाबी बिगड़ गई? बाइक अंदर ही छोटा है? नहीं सर, बाइक वहाँ खड़ी है सर स्टैंड पे, पानी में ही छूट गई। हाँ जी, चाबी गुम होगी वहाँ पे बाइक की, पानी में गड्ढे गड्ढे कुछ कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए बाइक की जो चाबी है वो अंदर ही छूट चुकी है, परेशानी लोगों के लिए जरूर बनी है। हल्की सी बारिश हुई और उसके बाद बाजारों के हालात आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कई गाड़ियां अभी भी पानी के अंदर ही खड़ी हैं क्योंकि पानी के अंदर बाइकें जो है बंद हो गई और उसके बाद लोग छोड़कर चले गए और पानी उतरेगा और उसके बाद वो अपनी बाइकें अपने वाहन यहां से लेकर जाएंगे। कुछ और दुकानदार साथी हैं, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि इससे जो है दुकानदारी पर भी कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ता है। आपकी भी दुकान है? मेरे मोबाइल कवर की दुकान है मेरे भाई। बारिश आ जाए तो काम बिल्कुल निकलता ही नहीं है मार्केट में। हल्की सी बारिश हुई कितना पानी पानी हो गया, अंदर दुकानों के अंदर पानी चला जाता है, सामान का भी नुकसान हो जाता है कई बार तो। लास्ट टाइम मैं फ्लिप कवर लेके आया था, सारा का सारा पानी घुस गया उसके अंदर, 18-20 हज़ार का नुकसान हो गया था उस टाइम पे। कितने दिनों से दुकान आपकी यहाँ? मेरी हो गए 3 साल से है मेरे भाई। जी विकास दिखा 3 साल? कुछ भी नहीं दिखा मेरे भाई, ऐसे ही कैसे ही है कुछ। और पानीपत का मेन बाजार है ये, फिर भी यहाँ ये हाल है ये, और सबसे बढ़िया बाजार है। और बारिश हो जाए तो काम की ऐसी तैसी हो जाती है, सुबह से आप मानोगे नहीं, बोनी भी नहीं अभी तक, किराया वगैरह सब कुछ पल्ले से जाएगा इस बारी, देखते बाकी ये ऐसी रहेगा, बारिश ऐसी चलते रहेगी। काम को खर्च किए जा रहे हैं विकास के, वो काम? अरे सब ऐसी है, सब के सब ऐसी है, विकास के लिए किए जा रहे हैं, सब पैसे अपनी जेबों में डाल लेते हैं मेरे भाई। तो देखिए परेशानी दुकानदारों के लिए भी जरूर बनी हुई है क्योंकि बारिश हुई है और बारिश के बाद बाजारों के हालात हमने आपको दिखाए। लगातार बाजारों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और
नेशनल हाईवे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी भरा हुआ है और जिस कारण दुकानदारों को जो खरीदारी करने के लिए जो ग्राहक दुकानदारों दुकानों पर पहुंच रहे हैं, बाजारों में पहुंच रहे हैं, उनको भी आफत जरूर बनी हुई है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट्स कर जरूर बताएं और इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके और जो लोग बाजारों में खरीदारी करने के लिए आते हैं उन तक जरूर पहुँच सके, क्योंकि वो यदि आज खरीदारी करने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं वो आफत में जरूर फंस सकते हैं। तस्वीर एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि पानी बाजारों में है और अभी फिर से बारिश जो है शुरू हो चुकी है। खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़, पानीपत।